हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग, तो इस किताब का जो उर्दू तर्जुमा है परेशान होना छोड़िए और जीना सीखिए। तो ये किताब जो है बहुत ज़रूरी है। हर इंसान की ज़िंदगी के अंदर मुश्किलात ज़रूर आती है, टेंशन ज़रूर आती है, परेशानियाँ ज़रूर आती हैं, माशी मसाइल ज़रूर आते हैं। तो इससे निपटना कैसे है जो है वो इंसान के जहन में क्या होता है कि सुसाइडल थॉट्स आना शुरू हो जाता है। कि जैसे ही इंसान के जहन के, क्योंकि हमारा जो मीडिया है ना वो फौरन से, मैंने क्योंकि बचपन में कोई एक ड्रामा देख रहा था कि एक बच्चे में मुश्किल आई, क्या कर लिया कि उसने सुसाइड कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें जो हमारे मीडिया दिखा रहा होता है, तो इसका मुकाबला जो है वो किताबें बहुत अच्छे तरीके से कर सकती है। तो डैरिल गार्नर की किताब हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग, ये किताब अगर आपके पास नहीं है तो काइंडली ये किताब ज़रूर पढ़िएगा। इसके अंदर एक छोटा सा वाक्य था कि एक साहब जो एयर कंडीशन क्लिनिक का काम किया करते थे, उनको पता था कि जो मैं एयर कंडीशन की क्लिनिक का जो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो नाकारा है, और आज नहीं तो कल मेरी हमारी पोल खुल जाएगी और मुझे पुलिस वाले उठा के ले जाएंगे, मुझे जेल में डाल दिया जाएगा, उस पर सू हो जाएगा। और वो ये परेशानी, ये जब परेशानी इसके ऊपर आई वो इतना परेशान हुआ। आपको पता है जब इंसान परेशान होता है तो वो कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, जब कमज़ोर होना शुरू हो जाता है तो इन द एंड क्या होता है, मर जाता है। तो वो स्टार्ट प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होता है, वो कोई ना कोई खौफ की वजह से जो है वो इंसान जो है पता नहीं कौन कौन से काम कर लेता है, हद तक सुसाइड भी कर लेता है। तो वो जो है वो ये जब उनके दिमाग में सुसाइडल थॉट्स आ रहे थे तो उन्होंने देखा कि देखें बहुत सिंपल सा सोल्यूशन है, उन्होंने देखा कि यार इसका एंड क्या है। उसने कहा कि एंड ज़्यादा से क्या होगा कि मुझे जो है फांसी नहीं होगी, ज़्यादा से क्या होगा मुझ पर सू होगा, जेल में डाल दिया जाएगा। उसने कहा कि मैं ये इतनी टेंशन ले रहा हूँ, इससे अच्छा ये है कि मैं इसको कोई इनोवेट करूँ और कोई एक आइडिया ले के आऊँ। तो ये जो थॉट आता है ना, थॉट जो आपके दिमाग के अंदर थॉट आता है, वो उस थॉट को क्लेम करने के लिए ये किताब बहुत उमदा है। और दूसरी बात है कि अगर आपके अंदर दिमाग के अंदर कोई ना कोई परेशानी आ जाती है तो आपको क्या करना होता है, लोगों से डिस्कस करना होता है, ताकि आपको अगर आपके दिमाग में कोई मशवरा नहीं आ रहा है, आपके सब कॉन्शियस माइंड के अंदर कोई मशवरा आपको कोई नहीं दे रहा है, कोई थॉट नहीं आ रहा है, तो आप इसको डिस्कस करें लोगों के साथ, लोगों को बताएं कि ये मैं लोगों से डरे नहीं, आप लोगों को बताएं कि मैं ये मसला फेस कर रहा हूँ, काइंडली मुझे मेरी हेल्प करें, मेरी काउंसलिंग करें।